दोस्तों, तिहाड़ जेल में हुई गैंगस्टर टिल्लू तात्पर्या की हत्या के चार आरोपियों से लगातार स्पेशल सेल पूछताछ कर रही है। इसी बीच उन्होंने बड़ा खुलासा किया है, तो बताते हैं आपको पूरी जानकारी, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, तिहाड़ के जेल नंबर 8 और 9 स्थित हाई रिस्क सिक्योरिटी वार्ड में कुख्यात गैंगस्टर सुनील मान उर्फ टिल्लू ताजपुरिया की दर्दनाक तरीके से हत्या किए जाने के मामले में गिरफ्तार 6 बदमाशों से पूछताछ में स्पेशल सेल को कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली हैं। बदमाशों ने अपनी पहचान खत्म होते देख अपराध की दुनिया में नाम कमाने व बड़ा गैंगस्टर बनने की चाहत में साजिश रचकर वारदात को अंजाम दिया, ताकि गिरोह का दबदबा कायम रहे। इससे गोगी गिरोह के नाम पर रंगदारी वसूलने का रैकेट चलता रहे और साथ ही हत्या में शामिल योगेश टुंडा, राजेश बवाना, रियाज खान, दीपक तीतर भी अपने अपने नाम पर रंगदारी का रैकेट चला सके। इसी मंसूबे के तहत तिहाड़ में ऑपरेशन टिल्लू नाम से वारदात को अंजाम दिया गया था। दोस्तों, करीब 2.5 साल पहले विरोधी गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी की स्पेशल सेल व 3री बटालियन की सुरक्षा घेरे में होने के बावजूद रोहिणी कोर्ट रूम के अंदर जज के सामने हत्या करवा देने के बाद सुनील उर्फ टिल्लू का कद अपराध की दुनिया में और भी बड़ा हो गया था, जिससे दिल्ली व पड़ोसी राज्यों में टिल्लू गिरोह के रंगदारी वसूलने के कारोबार में तेजी से उछाल आया था। उधर गोगी गिरोह का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होने लगा। दीपक उर्फ बॉक्सर को लॉरेंस बिश्नोई व गोल्डी ब्राड समेत गैंगस्टरों के समूह से जुड़े गैंगस्टरों ने विदेश भाग जाने में मदद की, ताकि वहां रहकर वह गोगी गिरोह के दबदबे को कायम रख पाई। लेकिन कुछ माह पहले स्पेशल सेल द्वारा बॉक्सर को भी मेक्सिको से दबोच लेने के बाद गिरोह के सामने अस्तित्व बचाने का संकट खड़ा हो गया था। इसीलिए गोगी गिरोह के बदमाशों ने टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की साजिश रची। स्पेशल सेल के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि टिल्लू की हत्या करने के मकसद से ही योगेश टुंडा, राजेश बवाना, रियाज खान व दीपक तीतर राजधानी के अलग अलग जेलों से अपनी सुरक्षा का बहाना बनाकर अलग अलग तारीखों में तिहाड़ की जेल नंबर 9 में आए थे। योगेश टुंडा व राजेश बवाना 30 मार्च को व दीपक तीतर अप्रैल में तिहाड़ आया था। यहां आकर तीनों ने रियाज खान, अताउर रहमान और विनोद उर्फ चवन्नी को अपनी साजिश में शामिल कर लिया था। राजेश बवाना बहुत पुराना बदमाश है। वह पहले कुख्यात गैंगस्टर नीरज सहरावत उर्फ नीतू दाबोदिया का सक्रिय सदस्य होता था। नीरज बवाना भी उसी दौरान नीतू का शूटर हुआ करता था। अक्टूबर 2013 में वसंत कुंज स्थित DLF मॉल के पास स्पेशल सेल द्वारा मुठभेड़ में नीतू को मार गिराने के बाद नीरज बवाना व राजेश बवाना में फूट पड़ गई और दोनों अलग अलग हो गए थे। दोनों ने अपना अपना गिरोह बनाकर रंगदारी रैकेट चलाना शुरू कर दिया। दिल्ली समेत पड़ोसी राज्यों के गैंगस्टरों से हाथ मिलाने पर नीरज बवाना तो बड़ा गैंगस्टर बन गया, जबकि राजेश बवाना ऐसा न करने के कारण उसका दबदबा लगातार खत्म होता ही चला गया। लंबे समय से राजेश मकोका के तहत जेल में बंद है। ऐसे में योगेश व दीपक व रियाज के साथ वह भी टिल्लू ताजपुरिया की हत्या में इसलिए शामिल हो गया था, ताकि फिर से उसका नाम हो सके और अपना गिरोह बनाकर रंगदारी का रैकेट चला सके। दोस्तों, योगेश टुंडा भी जितेंद्र मान उर्फ गोगी का बहुत पुराना साथी है, लेकिन अब तक गुमनाम था। गोगी के मारे जाने के बाद उसे भी लगने लगा कि उसके गिरोह का दबदबा अधिक समय तक नहीं रह सकता है, इसलिए उसने सरगना की हत्या का बदला लेने के लिए टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की, ताकि वह भी अपना गिरोह बनाकर रंगदारी का रैकेट चला सके। विनोद को पहले से एक मामले में उम्र कैद की सजा हो चुकी है। ऐसे में वह टिल्लू ताजपुरिया की हत्या में इसलिए शामिल हो गया ताकि जेल के अंदर रहकर वह भी अपने दम पर अपने गुर्गों के जरिए कुछ पैसा कमा सके। रियाज व अताउर रहमान ने भी बड़ा गैंगस्टर बनने की चाहत में ऐसा कदम उठाया था। तो दोस्तों, इस प्रकार टिल्लू ताजपुरिया की हत्या में शामिल इन 6 अपराधियों ने अपना दबदबा बनाने के लिए टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर दी थी। इन सारी बातों का खुलासा टिल्लू ताजपुरिया हत्याकांड के आरोपियों ने स्पेशल सेल के पूछे जाने पर किया है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हो गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या में शामिल इन 6 अपराधियों को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।